हेलो फ्रेंड, मैं प्रीति, रेनबो लाइफ बाय प्रीति से। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेकअप के बाद हमको अपने आप को कैसे संभालना चाहिए और किन बातों का हमको सोच विचार करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जब ब्रेकअप हुआ है तो आपको सबसे पहले अपने आप को संभालना है, बिल्कुल टूटने नहीं देना है, क्योंकि ये ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव नहीं है। ज़िंदगी बहुत सुहानी है, आपको एक बार मिलती है। किसी के लिए जिसने आपका दिल तोड़ दिया है, उसके लिए आप अपनी ज़िंदगी को हेल मत करिए, नरक मत बनाइए। हम हर टाइम पे हमेशा ये सोचते हैं कि ब्रेकअप हुआ, दूसरे जो पर्सन है, जो जिससे हुआ है ब्रेकअप, हम उसको दोष देने लगते हैं। तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि ब्रेकअप की वजह वो हो सकता है ब्रेकअप की वजह आप भी हो। तो आप बैठ करके, जब आपके पास बहुत टाइम होगा, क्योंकि आपका कहीं पढ़ाई में मन तो लग नहीं रहा होगा और किसी चीज़ में मन लग नहीं रहा होगा, तो फ्रेंड्स आप बैठ करके सोचिए कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था और किस चीज़ से हम फर्स्ट टाइम पे जो दरार शुरू हुई थी, वो इसकी वजह क्या थी। जब आप सोचेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। आप ये सोच के आगे मत पढ़िए कि सिर्फ मतलब सामने वाला ही गलत है, गलत आप भी हो सकते हैं। यदि आप ये सोच के आगे बढ़ेंगे कि सामने वाला ही गलत नहीं है, हो सकता शायद इसमें गलती हमारी भी है, तो आप इक्वल देखेंगे दोनों की बातों को, तो फिर आप दे समझेंगे कि क्या गलती आपसे हुई थी जो हम नेक्स्ट जो रिलेशन आएगा उसमें हम दोहराएंगे नहीं। फ्रेंड्स कहते हैं लोग कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, ज़िंदगी तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूं, और तुम नहीं तो मैं नहीं। और तो फ्रेंड्स सब झूठ की बात है, ज़िंदगी किसी के बिना नहीं रुकती है, कोई एक जाता है तो दूसरा आता है। तो फ्रेंड्स ये सबसे बहुत बड़ा पॉइंट है कि इसको ज़रूर देखना है कि आपने क्या क्या गलती की थी। एक आप इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए आपने अभी सोचा यार मैंने गलती की थी, ये ख़त्म हो, फिर उसके बाद फिर मन पलट गया, नहीं यार ये मेरी गलती नहीं थी या उसी की गलती थी, नहीं। तो फ्रेंड्स आपको करना है क्या है, एक कॉपी लेना है और एक डायरी ले लीजिए, आप एक डायरी लीजिए और एक पेन लीजिए, और आपको जो लगता है कि आपकी क्या क्या मिस्टेक थी, आप उसमें लिखते जाइए, आप उसमें लिखते जाइए, और लिख करके आप उसको जब भी टाइम मिले तो आप उसको दोहराइए, पढ़िए, जिससे आपके दिमाग में फिट हो जाए कि इसमें मेरी ये गलती थी, उसकी वजह से ये ब्रेकअप हुआ। और ये नहीं कि सिर्फ आप ही गलती हो, गलती कुछ ना कुछ वहाँ से भी होगी, तो आप वो गलती भी आप उसको उसमें एक पेपर में लिखिए, और तो उसको तो देखिए आप अपनी गलती तो सुधार सकते हो, ठीक है ना, लेकिन जो गलती उसने की थी, अदर पर्सन ने की थी, आप उस गलती को नहीं सुधार सकते हो। तो फ्रेंड्स उसका तो लिखने से, आप पूछोगे कि लिखने से क्या फ़ायदा है, जब हम उस गलती को सुधार ही नहीं सकते। फ्रेंड्स फ़ायदा है, आप उसकी गलती भी लिखोगे तो जब वो ही बात दोहराई जाएगी सेकंड, जो यदि आपका पार्टनर आएगा तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि यार यही गलती उस टाइम पे हुई थी, उसका रिएक्शन मैंने ये किया था, तो आप उसको बेहतर हैंडल करने की क्षमता रख पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में सॉल्यूशन होगा कि यदि यही बात फिर उसकी तरफ से हो रही है तो मैं उसको एक समझाने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, तो आप उसको समझाने की कोशिश कर पाओगे या स्थिति को संभाल पाओगे। तो फ्रेंड्स आप ये काम तो ज़रूर करिए, और फ्रेंड्स अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, जहाँ से जहाँ आपका समझ में आ रहा है कि यदि हमको वही बातें बार बार रिपीट हो रही हैं, वहीं घूम फिर करके बातें आ रही हैं और आपको दूर जाना है उससे, तो आप वहाँ उन जगहों से दूर रहिए, उन लोगों से दूर रहिए जहाँ आपकी यादें वो ताज़ा होती हैं और दिल दुखाती हैं। फ्रेंड दिल दुखा करके जी करके आगे नहीं बढ़ना है, ज़िंदगी एक बार मिली है उसको अच्छी तरीके से जीना है। आप ज़बरदस्ती किसी दूसरे से प्यार मत करने लग जाइए, लेकिन हाँ यदि कोई आपके लाइफ में आ रहा है, आपके वाइब्रेशन यदि हिल गए, यदि दिल के तार यदि हिल जाते हैं, और तो फिर आप उसकी तरफ तुरंत नहीं, थोड़ा टाइम लीजिए उसको समझने में। उस रिश्ते को पहले दोस्ती का नाम दीजिए, दोस्ती और प्यार में फ़र्क ही क्या होता है।
सिर्फ प्यार में हम इंटीमेट पल कुछ बिता लेते हैं और कुछ ज़्यादा रोमांटिक बातें कर लेते हैं, और लेकिन दोस्ती दोस्ती में भी जैसे हम हर बात शेयर करते हैं प्यार से अपनी, उस तरीके से हम दोस्त से भी अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। और दोस्ती में तो ये प्रॉफिट है कि हम अपने प्यार की गलती भी दोस्ती से शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड से सबसे बढ़िया ये है कि आप उधर से थोड़ा दूर हटिए, आप अलग जाइए, दोस्ती बनाइए लोगों से, दोस्ती कीजिए, दिमाग को डाइवर्ट कीजिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए जिससे मन शांत हो, और नफरत की भावना किसी से मत रखिए, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी जान कर किसी का दिल नहीं तोड़ता। उसने भी जब वो आगे बढ़ा होगा तो उसने कभी नहीं सोचा होगा कि हम आधे रास्ते में छोड़ करके उसको धोखा दे के भाग लेंगे, ऐसा उसने नहीं सोचा होगा। परिस्थितियाँ जैसी होती हैं आगे वैसा वैसा होता रहता है, और मैं तो ये कहती हूँ ये तो रिलेशन है, आगे हम बढ़ रहे हैं तब हमको ये मालूम पड़ गया। हम तो कहते हैं यदि हस्बैंड वाइफ के भी यदि एक साथ नहीं चल पा रहा है तो जबरदस्ती एक छत के नीचे रहने से भी कोई मतलब नहीं है। ज़िंदगी को ढोने और जीने में बहुत फ़र्क होता है, तो फ्रेंड ज़िंदगी को जीना चाहिए और ज़िंदगी को ढोना नहीं चाहिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह है और ज़िंदगी को जीना अपनी जगह है। हम जिम्मेदारियाँ निभाने के चक्कर में अपना ज़िंदगी जीना भूल जाए तो फ्रेंड्स ये तो मेरी नज़र में तो वो ठीक नहीं है। जो गया तो उसको भूल जाओ, उसको माफ़ कर दो। सबसे बड़ा देखिए, हम माफ़ यदि करते हैं अपने साथी को जिसने आपके साथ ब्रेकअप किया या चीट किया, तो आप उसको नहीं माफ़ करते, उसको सजा से नहीं बचाते हो, आप अपने आप को सजा से बचाते हो। क्योंकि ना यदि हम उसको माफ़ कर देंगे तो हमारे दिल में सुकून रहेगा, शांति रहेगी, जलते नहीं रहेंगे, कुड़ते नहीं रहेंगे। नहीं तो यदि हम यदि माफ़ नहीं करेंगे उसको तो हम पूरे टाइम पर सोचते रहेंगे कि यार वो ऐसा कर रहा होगा, उससे ये कहना चाहिए, उसने ऐसा क्यों किया, मतलब बदला लेना, उसको दूसरों से दूर कर देना, अलग रखना उसको और ये करना। तो फ्रेंड्स इससे क्या होगा, हमारा सुकून ख़त्म हो जाएगा। अपने सुकून के लिए, अपने सुकून की, अपनी शांति के लिए हमको उसको माफ़ कर देना चाहिए। उसने जो किया वो उसके संस्कार थे, ये उस या उसको जो सही लगा उसने वो किया। तो फ्रेंड्स किसी के फैसले पे हमारा जोर नहीं होता, फैसले दिल के होते हैं और उसमें दिमाग का कोई जोर नहीं होता। देखिए दिल तो टूटा है, ब्रेकअप हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उसमें डूबे रहना, उसके लिए रोते रहना है, अपनी ज़िंदगी को नरक बनाना है, और या उससे कम आउट होकर के, उससे बाहर निकल करके अपनी लाइफ को और अच्छा बनाना है और उससे भी और बढ़िया करके दिखाना है कि भाई मैं तो तुम नहीं हो, तो उसका मतलब ज़िंदगी रुक नहीं गई है, हम अपने लिए जिएंगे और उस जो ज़िंदगी तुमने दी थी उससे लाख गुना बेटर ज़िंदगी को हम आगे ला करके दिखाएंगे। यदि आप ये जुनून रखेंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी फ्रेंड। तो हम तो बस यही कहेंगे कि यदि आप जो गया उसको जाने दो, रोना धोना, अपना टाइम बर्बाद करना, अपने खून को जलाना, ये सब बिल्कुल बेकार है फ्रेंड। आप आगे बढ़ो, जो रास्ते में बहुत ज़रूरी नहीं है जो पीछे छूट गया वो साथी ही अच्छा हो। आगे मंजिल में भी कुछ बहुत साथी आपको मिलेंगे, उनमें से हो सकता है कोई आपका जीवन साथी भी हो, तो आप फ्रेंड्स उनके साथ जो आने वाला जो पल है उनको कैसे खुशनुमा बनाना है, जो आने आगे बढ़ना है, हम क्यों रोए, हमको नहीं रोना है। उसके अलावा भी ज़िंदगी में बहुत कुछ है, हमारा फैमिली है, हमारा परिवार है, हम उसके लिए जिएंगे। हमारे ज़िंदगी में सिर्फ उसका हक नहीं था, हमारी ज़िंदगी में हमारे माँ बाप का भी हक था, हमारी ज़िंदगी में हमारे अपनों का भी हक है। एक के लिए मैं और सब लोगों के हक को नहीं मारेंगे, इस बात का आप संकल्प करो और आगे बढ़ो। तो फ्रेंड ब्रेकअप के लिए इससे अच्छा मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती हूँ कि आप आगे बढ़ो, पिछली बातों को भूल जाओ। बस यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो बेल आइकन आएगा उसको जरूर हिट कर दीजिएगा। तो फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।